जामताड़ा मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुश बेदिया धोबी टोला में 24 वर्षीय युवक वीरेंद्र रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि मृतक की बहन रूबी देवी ने आरोप लगाया कि जब घटना घटी उस समय युवक अपने दोस्तों के साथ धोबी पाड़ा के मैदान में था, तभी उसे दो गोली मारी गई। एक गोली उसे छूकर निकल गई लेकिन दूसरी गोली उसे लग गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। घटनास्थल पर युवक की बाइक पड़ी हुई है। युवक कुछ दिन पहले कोलकाता से अपने गांव लौटा था। वो वहां पर कॉल सेंटर में काम किया करता था। हालांकि युवक की मां ने अपने पड़ोस के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई। मेरा नाम रूबी। कैसे घटना हुआ, क्या सूचना मिला? शाम में तो हम गए थे डंगाल अपना भाई के पास, घूमे फिरे, 7 बजे घर आया है। इसके बाद वो शायद रोज बाजार जाता है दोस्तों के साथ, वैसे कल भी गया है। फिर रिटर्न होने के समय पता नहीं फिर क्या हुआ, 11 बजे का घटना है। माँ 11:30 बजे हमको कॉल किया। हम दौड़ते हुए अपने ससुराल से फिर आए नॉर्थ से डंगाल, देख रहे सब खत्म हो गया। भाई का सारा दोस्त लोग डंगाल का ही सब कोई था, फुआ का लड़का लोग और भी सब डंगाल का, सब बंटी वंटी सब जितना नाम का लड़का लोग सब था वहीं पे। वो लोग बोलते हम लोग कुछ नहीं जानते, तो हम लोग कुछ नहीं जानते तो कौन जानता पता नहीं। गाड़ी उसका वहाँ पे रुका हुआ है, जो उसको मारा है वो उसको जानता है, इसीलिए वो रुक के उससे बात किया है। पहला जब उसको फायर किया है तो यहाँ से छू के निकल गया है, फिर सेकंड टाइम जब मेरा भाई भागा है तब फिर सामने आके उसको गोली मारा है, और जहाँ पे उसका ब्लीडिंग था वहाँ पे उसका टायर का भी निशान था। और इतना गोली चला, 3 बार गोली चला है, कोई नहीं समझ पाया, किसी को नहीं सुनाई दिया। उसका दोस्त लोग बोलता है नहीं पता कैसे हुआ, नहीं जानते। हम वो लोग के साथ ही घूम रहा था, घूम के घर आ रहा था। किसी पर शक है आपको? अब शक क्या बोलेंगे, अगल बगल तो दुश्मन था ही। भाई उसका दोस्त लोग से पूछताछ होगा, भाई का मेरा किसी से दुश्मन ही नहीं था, बहुत अच्छा था, खुद का कमाता था, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं कौन ऐसा क्या किया, नहीं आ रहा समझ में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।